देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, समीप सौदागर। हम इस समय मौजूद है सुपर अस्पताल की चौथी मंजिल, चौथी मंजिल पर एक वजह के साथ। 30 तारीख को, आज 29 तारीख है, कल इसका विधिवत उद्घाटन होना है। प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल सुपर अस्पताल की बात करेंगे। सुपर अस्पताल में क्या है खास, इसके लिए अधीक्षक सुधाकर जी से हम बात करेंगे, प्रत्येक बिंदु पर बात करेंगे, आप तक वो तमाम जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, रीवा की जनता के लिए जरूरी है, उन लोगों के लिए जरूरी है जिनको सुपर अस्पताल का बेसब्री से इंतजार था। सर, मेरा पहला सवाल, सुपर अस्पताल में क्या है खास? अस्पताल में ऐसे विभाग हैं जो मेडिकल कॉलेज में अभी तक नहीं थे, उसमें से 7 विभाग यहाँ रीवा के लिए स्थापित किए गए हैं। कार्डियोलॉजी, CTBS सर्जरी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी एवं नेफ्रोलॉजी एवं नवजात शिशुओं हित न्यूनेटोलॉजी। ये विभाग मेडिकल कॉलेज में नहीं थे, यहाँ स्थापित किए गए हैं। इससे जो आम जनता को बाहर जाना पड़ता था रीवा के बाहर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए, कार्डियक सर्जरी के लिए, यूरोलॉजी के जटिल ऑपरेशन, पेशाब और किडनी के जटिल ऑपरेशन, उनके लिए बाहर जाना पड़ता था। दिमाग के ऑपरेशन रहते थे, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन रहते थे, जिनके लिए बाहर जाना पड़ता था, उनका इलाज यहाँ विभाग स्थापित होने से प्रारंभ हो गया है। सुपर अस्पताल में ये है खास, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, अभी आपको शहर के बाहर जाना पड़ता था, महानगरों की ओर रुख करना पड़ता था, आपके पैसे खर्च होते थे, आपको उस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती थी जैसे आपको जरूरत। सुपर अस्पताल उन सारी चीज़ों की भरपाई करता है। सर, जैसा कि अस्पताल में आपने ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर काम चालू कर दिया है, तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, कितना स्टाफ आप तक आ चुका है और अभी कितने स्टाफ की आपको जरूरत है? स्टाफ तो हमारे 4 विभागों में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, जिसमें यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी एवं कार्डियक सर्जरी में। शासन ने लगभग 100 पद स्वीकृत किए हैं, उसमें फिलहाल अभी 9 चिकित्सा शिक्षक यहाँ सुपर स्पेशलिटी में ज्वाइन किए हैं, कार्य कर रहे हैं। कुछ सुपर स्पेशलिटी चिकित्सक जो संजय गांधी में काल पूर्व में कार्य कर रहे थे, वो भी अपनी सेवाएं यहीं दे रहे हैं, जिससे कि मशीनरी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर उपयोग हो सके। एक्सपर्ट्स धीरे धीरे यहाँ पर आ रहे हैं, जिस विभाग को एक्सपर्ट्स मिल चुके हैं वहाँ पर विधिवत कार्य प्रारंभ हो गया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को हार्ट को लेकर होती है, हृदय रोग को लेकर, तो क्या हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि हृदय रोग के क्षेत्र में आपने अभी तक पिछले 2 महीने में किस तरीके की उपलब्धि हासिल कर ली है? हृदय रोगों हेतु कार्डियोलॉजी एवं कार्डियोवास्कुलर सर्जरी विभाग स्थापित किए गए हैं। कार्डियोलॉजी विभाग में आधुनिकतम कैथ लैब है। कैथ लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है, जिसमें ऐसे मरीज जिनको हृदयघात की बीमारी होती है, त्वरित उपचार की ज़रूरत होती थी, बाहर उनको भेज नहीं सकते थे, बाहर भेजने में मृत्यु दर ज़्यादा रहती थी। दूसरा, ऐसे मरीज जिनको कार्डियक सर्जरी की आवश्यकता रहती थी, रीवा शहर में कहीं भी कार्डियक सर्जरी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी उपलब्ध नहीं थी, सुपर स्पेशलिटी में यह सब मशीनरी उपलब्ध है, चिकित्सकों की पदस्थापना हो चुकी है। विगत अभी 5 दिनों में 2 ओपन हार्ट सर्जरी, 1 फेफड़ों की सर्जरी, 1 पेरिफेरल बाईपास सर्जरी की गई है। ये रीवा की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। इससे ऐसे मरीज जिनको बाहर जाना पड़ता था हृदयघात के लिए और बाईपास सर्जरी के लिए, ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, वाल्व के लिए, उनको यही उपचार दिया जा रहा है। ये थे डॉक्टर सुधाकर, अधीक्षक सुपर अस्पताल। आपने सुना रीवा शहर के इतिहास में, जी हाँ, मैं इतिहास शब्द का उल्लेख कर रहा हूँ,
पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी भी इस अस्पताल ने कर दी है। ये रीवा के लिए छोटी उपलब्धि नहीं है। न्यूज नेटवर्क की टीम इस उपलब्धि के लिए सुपर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुधाकर सहित उनकी पूरी टीम को बधाई देती है और उनसे यह उम्मीद करती है अपना यह इस जो सिलसिला उन्होंने चालू किया है वह निरंतर आगे भी जारी रहेगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।